सो वेलकमेन डी एस ई जे होम क्लासिस एन अट टू कनेक्ट लर्नर विद इंस्ट्रक्टर ए डिजिटल इनिशियटिव बाई डायरेक्ट्रेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू माई डियर लर्नर आई एम हेयर विद वेरी इंटरेस्टिंग गुफ्तु के आदाब माई सेल्फ दिवदर कौर आई एम ए टीचर फ्राम डिस्ट्रिक्ट पूंछ। प्रजेंटली पोस्टेड एट जी पी एस मेहरा दिगवार माल स्टूडेंट्स आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स जब बच्चा जन्म लेता है तो आस्ता आस्ता बातें करना सीखता है एक दूसरे से बात करने को गुफगु कहते हैं और बात कैसे की जाए गुफ्तु कैसे की जाए इसके कुछ आदाब हैं यानी कि तौर तरीके हैं तो बच्चों हम अपना लेसन शुरू करते हैं हमेशा मुनासिब आवाज़ से गुफ्तु किया करो आवाज़ ना तो इतनी धीमी हो के सुनाई ना दे और ना इतनी सख्त के सुनने वाले को नांगवार गुजरे बोलने में इस कदर जल्दी ना करो कि दूसरे को बात समझ में ना आए ना इस क़दर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए बच्चों यहाँ ये बात हो रही है कि हमेशा हमें मुनासिब आवाज में बात करनी चाहिए उस आवाज़ में बात करनी चाहिए जिससे किसी को बुरा ना लगे और हमें आस्ता आस्ता बात करनी चाहिए ताकि किसी को समझ आए किसी को सुनाई दे कि क्या कह रहे हैं और आवाज़ इतनी सख्त यानी कि इतनी बुरी आवाज़ में बात मत करो कि सुनने वालों को बुरा लगे और इस तरह जल्दी जल्दी बात भी नहीं करनी चाहिए कि किसी को कुछ समझ ही ना आए बच्चों हम देखते हैं कि कई लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं समझ ही नहीं आती कि उन्होंने क्या कहा क्या कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आती इसलिए बात जो है थोड़ी आस्था करनी चाहिए बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए और बच्चों रुक रुक कर भी बात नहीं करनी चाहिए हम देखते हैं कि कई लोग रुक रुक के बात करते हैं यानी कि थोड़ी बात की फिर रुक जाते हैं मतलब कि उनका ध्यान कहीं और होता है और बात कुछ और कर रहे होते हैं ऐसा करने से जो दूसरा इंसान बात सुन रहा होता है उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहती इसलिए बच्चों गुफ्तु करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों अब हम अगला पैरा पढ़ते हैं जिस किसी से गुफगू करना हो तो अवल मौका और वक्त देख लो बात कैसी ही अच्छी या ज़रूरी हो लेकिन बेमौका या बेवकत कहोगे तो ज़रूर बुरी मालूम होगी बच्चों बात या गुफगू मौका देकर ही करनी चाहिए और बात यानि गुफ्तु करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि, कि किस जगह और किस मौके पर कौन सी बात करनी चाहिए बच्चों जिस तरह के आप अगर क्लास में बैठे हो पढ़ाई की बात चल रही है और आप कोई और बात करना शुरू कर दें कोई और गुफ्तु करना शुरू कर दो तो ये गलत बात है इसी तरह अगर कोई गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गया हो भगवान का नाम लेने और वहाँ जाके कोई और बात करनी शुरू कर दे और गुफ्तगू शुरू कर दे तो ये गलत बात है हमें यह देखना है कि हम किस जगह पर आए हुए हैं और क्या करने आए हुए हैं और इस मौके पर हम क्या बात करें ये हमें सोचना चाहिए इसी तरह अगर हम किसी की अर्थी या मज़ार पे जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन सी गुफ्तु यहाँ करें कौन सी बात करें क्योंकि हम उस जगह पर आए होते हैं जिस जगह से एक इंसान रुखसत हो गया होता है और वो उस दुनिया में चला गया होता है जिस दुनिया से वो वापस कभी नहीं आएगा तो बच्चों गुफगू करते वक़्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए बच्चों अब हम अगला पहरा पढ़ते हैं किसी की बात काटना सख्त ऐब है जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तु -गु ख़त्म ना हो ले तुम हरगिज अपनी बात शुरू न करो अलबत्त कोई सख्त ज़रूरत हो तो अवल उस शख्स से माफ़ी मांगो तब बात कहो बात को जुबान से बाद में निकालो पहले इसको सोच लिया करो बिन सोचे बोलना बेखूफ़ी है एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना ठीक नहीं बच्चों अगर कोई बात कर रहा है तो उसको पूरी बात करने दो उसकी बात बीच में मत काटो ये गलत बात है फिर भी आपको कोई ज़रूरी बात करनी हो तो उसे सारी बोलो एक्सक्यूज़ में बोलो ये बोलो कि मुझे माफ़ कर दो तो फिर आप वो बात कर लो और एक बात बच्चों पहले अच्छी तरह ये सोच लेना चाहिए कि हमें कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं फिर बात जो है ज़ुबान पर लानी चाहिए बगैर सोचने के बोलना बेवकूफ़ी है अच्छी बात नहीं है बच्चों वो एक पुरानी कहावत है ना कि गोली का ज़ख्म तो फिर कभी भर जाता है पर किसी की बुरी बात कही हुई हो अगर किसी को तो उसका जख्म कभी नहीं बढ़ता इसलिए हमें गुफ्तगू जो है बात जो है सोच समझ कर करनी चाहिए स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ते हैं गुफ्तगू के वक़्त बहुत तेज़ी और गुस्सा जाहिर करना सख्त लफ्स बोलना गड़गड़ाना हाथ जोड़कर बात कहना बेहयाई और मस्करेपन की बातें ज़ुबान पर लाना अपने मुँह से अपनी तारीफ करना नहायत गैर शासिता तरीका है इससे हमेशा परहेज़ करो बच्चों बात बात पर गुस्सा जो है नहीं करना चाहिए और हाथ जोड़कर बात करने का यह मतलब है कि हमें हाथ जोड़कर किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि हमें बख्श दे इस तरीके से बात जो है नहीं करनी चाहिए ये सब बेहयाई है और किसी की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए हमें मचरना नहीं चाहिए और मच्छर कर किसी की गलत बात नहीं करनी चाहिए और अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए बच्चों मज़ा तब है जब कोई हमारी तारीफ़ करे तो बच्चों गुफ्तु करते समय इन बातों का ख्याल जो है हमें रखना चाहिए स्टूडेंट्स आगे है ऐसी बातें लोगों के सामने बयान ना करो जिनकी सच्चाई में तुमको खुद शक हो अगर इतफाक से ऐसी बात कहनी पड़े तो इसके साथ ही अपना शक भी ज़ाहिर करो किसी के अकीदे या मजहब या बुज़ुर्गों की शान में बुरा लफज हरगिज़ जबान पर ना लाओ इस पैरे में ये बात हो रही है बच्चों ऐसी बातें किसी के सामने नहीं करनी चाहिए जिन बातों का हमें पक्का पता ना हो और अगर मजबूरन बात करनी भी पड़ जाए तो साथ में ये कहो कि मुझे यकीन नहीं ये बात सच है और ये कहो कि मुझे शक है कि ये बात सही नहीं है बच्चों किसी की शान के खिलाफ कभी बात नहीं करनी चाहिए हमें बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए इज़्ज़त से उनसे गुतगु करनी चाहिए हमें बुज़ुर्गों से ही नहीं बल्कि हर किसी से इज़्ज़त से बात करनी चाहिए गुफ्तु करनी चाहिए बच्चों हमें किसी की मजहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सब एक ही जोत से पैदा हुए हैं चाहे हमारे पाठ करने का भक्ति करने का दुआ करने का तरीका जो है अलग अलग है लेकिन हम सब की मंजिल जो है वो एक है बेशक हम सब के रास्ते जो हैं अलग हैं लेकिन हम सब की मंजिल एक है जो कि वो खुदा है वो रब है वो परमात्मा है आगे है जब छोटू से गुफ्तु करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ गुरूर और शेखी ना जताओ कोई हकारत का लफ्ज़ ना बोलो किसी को उसके कसूर पर मलामत करनी हो तो उसे अकेले में ले जाकर समझाओ बच्चों यहाँ ये बात हो रही है कि हमें अपने से छोटू से बहुत नरमी से बात करनी चाहिए बहुत मेहरबानी से बात करनी चाहिए प्यार से बात करनी चाहिए क्योंकि वो छोटे होते हैं उन्हें प्यार चाहिए होता है बच्चे जो हैं प्यार से समझते हैं और हमें गुरूर और शेखी जो है नहीं दिखानी चाहिए और बच्चों के साथ बहुत नरम हो के बात करें ताकि बच्चे जो हैं कुछ समझ सकें और अगर किसी का कोई कसूर हो तो बच्चों कभी भी सबके सामने उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए उसको नहीं डांटना चाहिए उसे अकेले में जाकर समझाओ स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ते हैं चुगलखोरी सख्त ऐब है इससे लोगों को नाहक तकलीफ़ पहुंचती है जब चुगलखोर की कलहाई खुल जाती है तो उसको बेहद दामद उठानी पड़ती है चुगलखोरी यही नहीं कि एक की बात दूसरे को सुना दी बल्कि किसी शख्स का कोई काम है जिसके जाहिर करने से उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे इसका ज़ाहिर करना भी चुगलखोरी है बच्चों चुगलखोर की बात पर कभी यकीन ना करो उसके कहने से किसी की तरफ बदगमानी मत करो चुगलखोरी से हमेशा नफरत करो कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है बच्चों इस पैरे में ये कहा गया है कि चुगलखोर की बात पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए हमें चुगलखोर की बात सुनकर किसी का मुंह नहीं गवाना चाहिए बच्चों जिस दिन चुगलखोर को उसकी चुगली की सजा मिलती है उसकी चुगली का पर्दा उठ जाता है तो उसको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है अगर चुगलखोर आपको कोई चुगली करे आपको कोई बात सुनाए तो आप सुनने से मना कर दो क्योंकि बच्चों आपने ये सुना होगा बुरा मत बोलो बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो बच्चों आप इसी कहावत को लेकर चलो बच्चों इस सबक में इस लेसन में जो मुश्किल लफज आए हैं और उनके मायने देखते हैं पहला है आदाब आदाब का मतलब होता है अच्छे तरीके दूसरा है बात काटना इसका मतलब है किसी की बात में दखल देना अगला है चुगलखोरी। चुगलखोरी का मतलब है पीठ पीछे बुराई करना उसके बाद है कलाई खुलना इसका मतलब है सच्चाई का ज़ाहिर हो जाना उससे अगला है मलामत मलामत का मतलब है बुरा भला कहना नेक्स्ट है नदामत उसका मतलब होता है शर्मिंदगी फिर आगे है बदगुमानी जिसका मतलब होता है गलत फहमी बच्चों ये माहिने मैं आपको एक बार फिर अच्छे से समझाती हूँ आदाब अच्छे तरीके बात करना किसी की बात में दखल देना चुगुल खोरी पीठ पीछे बुराई करना कलहाई खुलना सच्चाई का ज़ाहिर हो जाना मलामत बुरा भला कहना नदामत शर्मिंदगी और बदगुमानी गलत फहमी स्टूडेंट्स अब नीचे कुछ बयानात दिए गए हैं इनके सवाल हमने बनाने हैं यानी कि नीचे कुछ जवाब दिए गए हैं तो हमें उनके सवाल बनाने हैं पहला है ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उतार जाए तो बच्चों इसका सवाल क्या बनेगा इसका सवाल बनेगा गुफ्तु करते वक्त किस तरह की आवाज़ मुनासिब है दूसरा ये जवाब क्या बना हुआ है बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं तो बच्चों इसका क्या सवाल बनेगा इसका सवाल बनेगा गुफगू -गु करते वक्त किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए बच्चों जो अगला जवाब हमारे पास बना हुआ है तो उसका हमने सवाल बनाना है वो है छोटू से गुफ्तु -गु करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ तो इसका सवाल हम क्या बनाएंगे क्या बनेगा इसका सवाल इसका सवाल बनेगा छोटू से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल जो है रखना चाहिए और बच्चों लास्ट जो हमारे पास जो है जवाब बना हुआ है और हमने इसका सवाल बनाना है वो है कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है तो बच्चों इसका सवाल बनेगा कि चुगलखोरी खोरी को बुरा क्यों समझा जाता है बच्चों अब जो सबक हमने पढ़ा है जो लेसन पढ़ा है उसे देख के नीचे कुछ खाली जगह दी गई हैं उन्हें पूर करना है तो पहली है बोलने में इस कदर ब्लैक ना करो कि बात समझ में ना आए तो क्या आएगा ब्लैंक में जल्दी ना करो दूसरी है किसी की बात काटना सख्त ब्लैंक है तो क्या आएगा ब्लैंक में ऐब है तीसरी है बिन सोचे बोलना ब्लैंक है तो क्या आएगा इस ख़ाली जगह में बेवकूफ़ी है चौथी है बात को निकालो पहले ब्लैंक करो तो इस खाली जगह में बच्चों आएगा इसको सोच लिया करो और लास्ट है ब्लैंक की बात पर कभी यकीन ना करो तो बच्चों जो यहाँ ख़ाली जगह है यहाँ आएगा चुगलखोर तो बच्चों इन खाली जगहों को इस तरह पूर् करना है तो बच्चों में एक बार इसे फिर पढ़ती हूँ बोलने में इस कदर जल्दी ना करो कि बात समझ में ना आए किसी की बात काटना सख्त है और तीसरा है बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है चौथा है बात को निकालो पहले इसको सोच लिया करो उसके बाद है चुगलखोर की बात पर कभी लाओ बच्चों अब नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमरों में इस्तेमाल करना है पहला मुहावरा है जी उगताना इसका जुमला बनेगा हर रोज तो एक ही कहानी सुनकर मेरा जी उकता गया दूसरा है बात काटना तो बच्चों इसका क्या जुमला बनेगा किसी की बात काटने से पहले सोच लेना चाहिए और तीसरा है शेखी बिखारना अब इसका क्या जुमला बनाएंगे हम शेखी बिखारने से रिश्ते खराब हो जाते हैं बच्चों एक बार फिर मैं इसे दोहराती हूँ जी उगताना रोज़ रोज़ एक ही कहानी सुनकर मेरा जी उगता गया बात काटना किसी की बात काटने से पहले सोच लेना चाहिए शेखी बिखारना शेखी बिखारने से रिश्ते खराब हो जाते हैं बच्चों अब नीचे दिए हुए अल्फाज की ज़िद लिखनी है पहला है सखत इसका आएगा नरम दूसरा है गोरा इसका आएगा काला फिर आगे है अच्छाई इसका आएगा बुराई और आगे चौथा है नफ़रत इसका आएगा प्यार और आगे है सच इसका आएगा झूठ बच्चों एक बार मैं फिर दोहराती हूँ सखत नरम गोरा काला अच्छाई बुराई, नफ़रत प्यार सच झूठ बच्चों अब नीचे दिए हुए कुछ अल्फाज हैं इनके जुमले बनाने हैं पहला है आदमी इसका जुमला हम क्या बनाएंगे? वो एक अच्छा आदमी है दूसरा है उस्ताद इसका जुमला हम बनाएंगे मेरे स्कूल में तीन उस्ताद हैं और तीसरा है ज़मीन तो ज़मीन का जुमला हम ये बनाएंगे आजकल हमारी ज़मीन में गंदम की फसल लगी हुई है और उसके बाद है दरखत दरखत का जुमला हम बनाएंगे दरखत काटना सख्त मना है और पाँचवा है फूल तो फूल का जुमला हम बच्चों क्या बनाएंगे इसका जुमला ये बनाएंगे कि मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है मैं वापस इसको रिवाइज करती हूँ आदमी वो एक अच्छा आदमी है उस्ताद मेरे स्कूल में तीन उस्ताद हैं ज़मीन आजकल हमारी ज़मीन में गंदम की फसल लगी हुई है दरखत दरखत काटना सख्त मना है फूल मुझे गुलाब का फूल पसंद है स्टूडेंट्स आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द इंटायर लेसन अलॉन्ग विद इट्स एक्सरसाइज वर्क इन ए प्रोडक्टिव वे थैंक यू वेरी मच